हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गिटार ट्यूटोरियल्स विद अर्पण। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो सॉन्ग आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं, उस सॉन्ग का नाम है रानी हिंदुस्तानी, जो कि रिसेंटली यूट्यूब पे रिलीज हुआ है। तो इस सॉन्ग का इंट्रो, इस सॉन्ग का स्ट्रमिंग एंड ओरिजिनल कॉर्ड विद कैपू एंड विदाउट कैपू दोनों मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। मेरे वीडियो पे फर्स्ट टू लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए लेसन की तरफ चलते हैं। तो ये जो सॉन्ग है फ्रेंड्स, ये सी शार्प माइनर कॉर्ड के ऊपर है। तो इसका जो इंट्रो पैटर्न है, वो इंट्रो पैटर्न के लिए इंट्रो पैटर्न जो बजाया है वो एक्चुअली स्ट्रमिंग टाइप में बजाया है। तो वो डाउन अप जो स्ट्रमिंग पैटर्न है उसको बहुत ही फास्ट वे में उन लोगों ने बजाया है। तो डाउन अप जो है, हम लोग को सी शार्प पकड़ के पहले इस टाइप से अप डाउन अप डाउन अप इस टाइप से प्रैक्टिस करना होगा। इसी को आप लोग जब स्पीड में करेंगे तो ये इस टाइप से हो जाता है, डाउन अप जो है। तो ये यही इंट्रो है। तो दो बार इसमें सी माइनर कॉर्ड, सी शार्प माइनर कॉर्ड के ऊपर है, और एक बार जी शार्प मेजर सेवेंथ के ऊपर इस टाइप से किया हुआ। तो ये हो गया हम लोग का इंट्रो पार्ट। तो कैपो में अगर आप लोग बजाएंगे तो कैपो आप लोग को फोर्थ फ्रेट पे लगाना होगा फ्रेंड। तो फोर्थ फ्रेट पे अगर हम कैपो लगा देते हैं तो सी शार्प माइनर हम लोग का सिंपली ए माइनर कॉर्ड हो जाता है। तो ए माइनर कॉर्ड में हम लोग को सेम स्ट्रमिंग करना है इस टाइप से, और ए माइनर के बाद फिर ई सेवेंथ में इस टाइप से स्ट्रमिंग करना होगा। हेल्प ऑफ कैपो जो जब हम लोग बजाएंगे, कैपो हम लोग फोर्थ फ्रेट पे रख देंगे, तो जो हम लोग का सी शार्प माइनर है वो ए माइनर हो जाएगा, और जो हम लोग ने एफ शार्प माइनर कॉर्ड बजाया था वो डी माइनर कॉर्ड हो जाएगा, और जो हम लोग ने जी शार्प मेजर बजाया था तो वो हम लोग का ई मेजर हो जाएगा। तो ई मेजर सेवेंथ भी लगा सकते हैं आप, कॉर्ड डायग्राम में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका इंट्रो पैटर्न तो हो गया, तो आइए मैं आप लोग को इसका स्ट्रमिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। तो इसका स्ट्रमिंग पैटर्न जो है वो हॉर्स बीट पे, एक्चुअली जो सॉन्ग पे जो बीट यूज हुआ है तो उस बीट के हिसाब से हम लोग को गिटार में जो रिदम है वो भी हम लोग को हॉर्स बीट टाइप से ही बजाना पड़ेगा। तो रिदम जो है डाउन अप हम लोग को बजे, जो डाउन होगा वो हम लोग का म्यूटेड बजेगा, और जो अप स्ट्रोक का जो है वो अप स्ट्रोक खाली हम लोग को सुनाई देना चाहिए। तो वो इस टाइप से होगा। तो ये जो डाउन जो हम लोग का गया ये म्यूटेड बज रहा है, देखिए। तो यही पैटर्न है, तो यही स्ट्रमिंग पैटर्न है। तो आप लोगों को कुछ दिन प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए। जो अप स्ट्रोक है वो सिर्फ सुनाई देना चाहिए, जो डाउन हम लोग जब हम लोग इस टाइप से डाउन अप जो है अप डाउन अप, तो डाउन म्यूटेड बजेगा, अप जो है वो सुनाई देना चाहिए। Yeah.
फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोग के कमेंट के ऊपर मैं न्यू वीडियोस बनाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, हम लोग जरूर मिलेंगे मेरे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।